दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई हुई एक बेहतरीन ड्रामा मूवी अखुनी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया था निकोलस खार कॉन्गर ने और जिसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली हैं। और अगर बात करूं कहानी की, तो दोस्तों ये फिल्म एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसके चलते आज विदेशों में एक जन सैलाब सा उठ खड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेसिज्म यानी जातिवाद की, जो आमतौर पर हर मुल्क की एक अनकही दास्तान है, लेकिन फिर भी इसका हल ढूंढने के बजाय अक्सर हम लोग इसे जाने अनजाने में और बढ़ावा देते आ रहे हैं, जिसके चलते अब हालात ये बन चुके हैं कि कुछ लोगों को अपने ही देश में बेगानों की तरह ट्रीट किया जाता है। जहां ये फिल्म इसी मुद्दे पर एक जोरदार तमाचे का काम करते हुए नजर आती है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है नई दिल्ली की उन गलियों से, जहां आंखों में सपने सजोए हमारे देश की नॉर्थ ईस्ट स्टेट का युवा कुछ बनने की चाहत में शहर की दहलीज पर कदम रखता है, लेकिन अपने कल्चरल और लाइफस्टाइल डिफरेंसेस की वजह से अक्सर जातिवाद जैसी बाउंड्रीज में फंसकर रह जाता है। जहां ऐसे हालातों के बीच हम पहली बार उपासना और उसकी रूममेट चन्वी को देखते हैं, जो सुबह सुबह अपने एक दोस्त जोरम के साथ मिलकर दिल्ली की तंग गलियों से होते हुए एक अंडरग्राउंड शॉप तक जा पहुँचते हैं, जिसे देखकर पहले तो ऐसा लगता है कि शायद वो तीनों कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही हमें एहसास होता है कि वो जगह कुछ और नहीं बल्कि एक मीट शॉप थी, जहां वो आज दोपहर में होने वाले एक इवेंट के चलते नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कुछ फूड आइटम्स खरीदने आए थे, जिनमें से एक थी अखुनी। अब जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि अखुनी सोयाबीन से तैयार की हुई एक सामग्री है, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न लोग एक खास तरह की डिश बनाने में इस्तेमाल करते हैं और जिसकी महक हद से ज़्यादा तीखी होती है। खैर, अब वो तीनों जैसे ही उस जगह से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक उन्हें अपनी तीसरी रूममेट मीनम का कॉल आता है, जो आज अपने एक इंटरव्यू के चलते उनकी तरह ही अपने रूम से निकल चुकी थी, जहां वो उनके द्वारा की हुई शॉपिंग के लिए उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। वहीं दूसरी ओर हम बेंदांग नामक एक लड़के को देखते हैं, जो कि दरअसल चन्वी का बॉयफ्रेंड था और जो आज होने वाले उस इवेंट के लिए एक हिंदी गाना सीख रहा था, लेकिन शायद अपनी किसी चिंता के चलते वो अचानक गाते गाते रुक जाता है और उसे ऐसी हालत में देख चन्वी उसे हौसला देते हुए दिखाई देती है। अब इसी बीच हम एक बार फिर से उपासना और जोरम को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और एक साथ मिलकर उसी एरिया में एक जनरल स्टोर भी चलाते थे, जहां जोरम उपासना को सुबह खरीदा हुआ सामान देते हुए उसे अखुनी बनाने की विधि समझाता है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से वो उसकी बातों पर गौर न करते हुए वहां से भागते हुए दिखाई देती है। अब दिल्ली शहर की बात हो रही हो और वहां के मकान मालिकों की बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? जहां इसी बात की कमी को पूरा करती है नानी, जिनका ध्यान अपने घर पर कम और बाहर हो रही गतिविधियों पर ज्यादा रहता था, जिसके चलते वो आए दिन अपने किसी न किसी किराएदार को अक्सर टोकते हुए दिखाई देती हैं, जहां आज उनके गुस्से का शिकार कोई और नहीं बल्कि चन्वी और बेंदांग बनते हुए दिखाई देते हैं, जो कि दरअसल अखुनी बनाने के लिए सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे। जहां उनके जाते ही उपासना बाकी किराएदारों को ये रिक्वेस्ट करती है कि वो आज किसी न किसी तरह मैनेज कर लें, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, अखुनी को बनाने के दौरान बहुत ही तीखी महक का एहसास होता है, जिसे आम तौर पर बाकी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर, वहीं दूसरी ओर चन्वी जैसे ही सब्जी खरीदने मार्केट पहुंचती है, तो वहां बैठे कुछ मनचले उसे देखकर गंदे कमेंट्स पास करना शुरू करते हैं, जिसे सुनते ही चन्वी जब इस बात का विरोध करती है, तो वो लड़के इस बात से मुकरते हुए उल्टा उस पर भड़क जाते हैं, जिसके चलते वहाँ खूब हंगामा होने लगता है। और फिर अब इतना सब होने के बावजूद भी बेंदांग उन लड़कों को कुछ नहीं कहता, और हम देखते हैं कि वो दोनों भरे बाजार में बेइज्जत होने के बाद चुपचाप वापस अपने कमरे में पहुंचते हैं, जहां चन्वी उसकी मर्दानगी को कोसते हुए खुद को काफी इनसिक्योर फील करती है, जिसके चलते बेंदांग को भी पहली बार अपनी कायरता का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर दबे पाँव वहां से चुपचाप चला जाता है। अब उसे ढूंढने के दौरान उपासना को नीचे खड़ा एक शख्स दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनकी मकान मालिक का दामाद होता है, जो आज अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर घर के अंदर जुआ खेलने का प्रोग्राम बना रहा था। अब ये सब देख
वो दोनों एक बार फिर से नई मुसीबत में फंस जाते हैं, जिसके चलते जोरम एक बार फिर से उनकी मदद के लिए आगे आता है और हम देखते हैं कि वो उनके मकान मालिक के बेटे शिव से मिलने पहुंचता है, जो उसका नाम ना पता होने के कारण उसे सबके सामने डैनी नाम से संबोधित करता है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। खैर, अब सभी लोग उसे अपनी समस्या बताते हुए उससे एक हेल्प मांगते हुए दिखाई देते हैं, जिसे सुनकर शिव भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और फिर जंगली चूहे की तरह भागता। अच्छा ठीक है भाग रहा हूं मैं जंगली चूहे की तरह। तेरे कप की क्या हालत बना के रखी है? 20 पिला देना बुढ़िया को। खर्चवाई कहीं का। जहां उन्हें जाता देख वो सभी खुशी के मारे झूम उठते हैं और इस तरह शुरू होती है अखुनी बनाने की प्रक्रिया। जहां उसे बनाने के दौरान इस बार उनका गैस सिलेंडर जवाब दे जाता है, जिसके चलते अब वो दोनों एक बार फिर से शिव को याद करते हैं, जो इस बार भी उनकी हेल्प करते हुए दिखाई देता है। जहां उनके जाते ही चन भी बेंदांग को ढूंढते हुए उसके रूम पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर ताला लगा होने की वजह से वो उसके लिए और चिंतित हो जाती है। मीनवाइल अब जैसे ही वो दोनों वापस पहुंचते हैं कि तभी अचानक उनका सामना उनकी एक बंगालन पड़ोसन से होता है, जिसके चलते शिव एक नया हंगामा होने से पहले उस महिला को ये समझाता है कि घर में सेप्टिक टैंक की रिपेयर चल रही है, जिसके चलते उन्हें कुछ देर के लिए बदबू का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरह एक बार फिर से हम उन दोनों को आखुनी बनाते हुए देखते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी किस्मत उन्हें फिर से धोखा दे जाती है, जहां लाइट चले जाने के कारण आखुनी से उठता हुआ धुआं पूरी बिल्डिंग में आग की तरह फैल जाता है और एक के बाद एक सभी अपनी खिड़की दरवाजे बंद करते हुए दिखाई देते हैं। जहां इसी बीच अब नानी के साथ साथ बाकी सभी किराएदार उनसे लड़ने आ पहुंचते हैं। कौन है तू? है कौन तू? मैं। बोल। जिसके चलते चन भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती और देखते ही देखते उसे पैनिक अटैक हो जाता है। जहां उसकी ये हालत देख सभी उस इवेंट को किसी और जगह करने का प्लान करते हैं, लेकिन दिल्ली में बसे हुए उनके सभी रिश्तेदार और दोस्त अखुनी का नाम सुनकर उन्हें साफ इनकार कर देते हैं, जिसके चलते अब ये डिसाइड होता है कि वो उस इवेंट को बेंदांग के रूम पर सेलिब्रेट करेंगे। जहां इसी बीच जोरम भी अपना काम काज छोड़कर वहां पर आ पहुंचता है, जिसे देख उपासना के साथ साथ उस कमरे में मौजूद हर कोई उसे नाराज दिखाई देता है, जिसका कारण ये था कि जोरम का आज से 3 साल पहले मीनम के साथ ब्रेकअप हो चुका था। जहां आज का ये इवेंट मीनम की जिंदगी का एक खास दिन था, जिसके चलते उन सभी के साथ साथ आज उपासना को भी यही लगता है कि वो जानबूझकर उन सभी की मदद नहीं कर रहा। जिसे सुन उल्टा जोरम उस पर भड़कते हुए उसे ये सच्चाई बताता है कि जिस मीनम के लिए वो इतना सब कुछ कर रही है वो उसकी पीठ पीछे उसके नेपाली होने का मजाक उड़ाती है, और यहाँ तक कि वो उसे हमेशा से ही अपने से अलग समझती है, जिसके चलते उसने कई बार जोरम को उससे डेट करने से भी मना किया था। अब ये सारी सच्चाई सुनकर उपासना को एक झटका सा लगता है और उसके दिल में मीनम के प्रति सारी इज्जत पल भर में ही टूट कर बिखर जाती है। वहीं दूसरी ओर चनबी के सभी साथी बेंदांग के रूम को खोलने में जुट जाते हैं, जिसका शोर सुनकर उसका एक पड़ोसी उनका ये कहकर मजाक उड़ाता है कि बार कोई नया बंदा दिखाई पड़ता है, वैसे भी तुम सबकी शक्ल एक ही सी होती हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अंकल जी का दिमाग शायद घुटनों में होगा जो उन्होंने आखिर ये बात कही। खैर, वही दूसरी ओर चनबी एक बार फिर से बेंदांग को ढूंढते हुए उनके चर्च के फादर तक जा पहुंचती है, जो उसे बताते हैं कि वो सुबह से यहाँ नहीं आया, लेकिन वो चिंता ना करे, भगवान ने उसे दूसरा जीवन दिया है, वो उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा यह हमें आगे की कहानी में समझ आएगा। अब इस बात से परेशान होकर वो और उपासना अपनी एक सहेली मार्था से मिलने पहुंचते हैं, जिसने एक सिख परिवार में शादी की थी और जो उन्हें समझाती है कि नॉर्थ इंडियंस को उनके कल्चर के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए खाना बनाने से पहले उनसे परमिशन लेना उनका फ़र्ज बनता है, क्योंकि उस खाने की महक से किसी को भी परेशानी हो सकती है। अब इतना कहकर वो उन्हें कम्युनिटी सेंटर में जाकर खाना बनाने की सलाह देते हुए अपने बेटे जस्सी को उनके साथ भेजती है। जहां पहुंचते ही हमारे जस्सी पाजी को भी उन दोनों की तरह ही जातिवाद का शिकार होना पड़ता है, जिसके चलते वो पंजाबी में एक मस्त गाली देते हुए
उन दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर उनके साथियों को एक कमरा दिखाई देता है जो अंदर से बंद किया हुआ था, और जैसे ही खबर चनबी को मिलती है वो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ पहुँचती है। और हम देखते हैं कि दरअसल बेंदांग ने सुबह हुई घटना के बाद खुद को नज़रबंद कर लिया था, जहाँ किसी छोटे बच्चे की मदद से उसने अपना रूम बाहर से लॉक करवाया था। अब उपासना ये खबर ज़ोरैन को देते हुए उसे कम्युनिटी सेंटर में हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुन ज़ोरैन की अंतरात्मा को भी एक झटका सा लगता है। और हम देखते हैं कि वो अपना सारा कामकाज छोड़कर उनकी मदद के लिए रवाना हो जाता है, जहां वो उसी कम्युनिटी सेंटर के एक चौकीदार को पटाते हुए वहां थोड़ी देर के लिए कुकिंग की परमिशन लेता है। जहां इसी बीच उपासना उसे अखुनी में डलने वाला कुछ सामान देने के लिए आती है जो वो जल्दबाजी में लाना भूल गया था। अब इसी दौरान वो उससे पूछती है कि बेंदांग आखिर इस शहर से जाना क्यों चाहता है, जिसे सुनकर मजबूरन उसे वो सारी सच्चाई बतानी पड़ती है जो उसने कई सालों तक उससे छिपा कर रखी थी। दरअसल बेंदांग जब नया नया इस शहर में आया था तो कुछ लड़कों ने उसके बालों का रंग देखकर उसके साथ काफ़ी बदतमीजी की थी, और जब उसने इस बात का विरोध किया तो उन लड़कों ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा था। और तब से लेकर आज तक इस बात का खौफ उसके जहन में इस कदर बस चुका है कि वो एक पल के लिए इस शहर में टिकना नहीं चाहता। मगर चनबी जो इस शहर में काम की तलाश में आई है उसके लिए ही वो बस यहाँ पर घुट घुट के जी रहा है। अब ये सच्चाई सुनकर आपको भी ये एहसास हो चुका होगा कि आखिर आज सुबह उसकी खामोशी का क्या कारण था। खैर, अब इसी दौरान वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिनकी आज उस सेंटर में बुकिंग थी। जहाँ इसी बीच चनबी भी उपासना को ढूंढते हुए वहाँ पर आ पहुँचती है, और वो सभी एक साथ मिलकर उनसे कुछ और देर के लिए कुकिंग करने की रिक्वेस्ट करते हैं, मगर वो उनकी एक न सुनते हुए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब इसी दौरान हम उसी लड़के को भी देखते हैं जिसके साथ सुबह चनबी का झगड़ा हुआ था, और जब वो उसकी करतूत उसके घर वालों के सामने लाती है तो बजाय उसे डांटने के उस लड़के की माँ उन सभी को बेहुदा गालियां देना शुरू करती है। जैसी लड़की को मैं खूब अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसे लड़के को ये छोटे छोटे कपड़े पहना के भेज देते हमारे बेटों को परेशान करने के लिए, चल निकल। अब इस थप्पड़ के साथ साथ उन्हें भी उस सेंटर से निकाल दिया जाता है, जिसके चलते उनके द्वारा की गई सारी मेहनत भी पानी में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर बेंदांग अब खुद को हौसला देने के लिए वापस उन्हीं फादर के पास पहुंचता है, जो उसे अपने दिल के हालातों को एक गीत में गाकर बयां करने की सलाह देते हैं, जिसे गाकर उसे भी एक सुकून का एहसास होता है। अब इसी बीच ज़ोरैन एक बार फिर से शिव के साथ मिलकर उसके डैड को घर के अंदर खाना बनाने के लिए राजी करता है, जिसके चलते वो सभी नानी को बातों में उलझाकर चुपके से किचन का सारा सामान घर के अंदर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। जहां उपासना पहली बार मीनम के प्रति अपनी सोच को बदलकर उसके लिए आखुनी बनाने में जुट जाती है। और उस दिन के ढलते हुए सूरज के साथ साथ एक नेपाली लड़की फिर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रंग में रंगते हुए दिखाई देती है, जहां उनके बीच हम पहली बार मीनम को भी देखते हैं, और हमें पता चलता है कि दरअसल वो इवेंट कुछ और नहीं बल्कि मीनम की शादी थी, जिसके लिए आज उसके सभी दोस्त सुबह से ही जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। और तो और उसका वो इंटरव्यू किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं बल्कि IAS की सिलेक्शन का होता है, जहां उसे भी उसके साथियों की तरह ही नाकामयाबी हासिल होती है। खैर, अब जैसे वो सभी तैयार होकर बेंदांग के रूम पर जाने लगते हैं कि तभी अचानक बाहर खड़े हुए लोग उनके कपड़ों को देखकर कुछ ऐसी बातें कहते हैं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो, फैंसी ड्रेस में क्या? देखो देख, माता जी के घर से जुलूस जा रहा है। अरे जैकी चैन का बर्थडे है क्या? अरे पंचन की किधर जा रही है? हम भी चलेंगे, हम भी। जिसे सुनकर पहली बार नानी आज उन्हें छोड़कर बाहर खड़े हुए उन लोगों पर कुछ यूं बरसती है। अंदर बंदरिया का नाच हो रहा है, अपने अपने घर जाके अपना काम करो, जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, निकलो यहाँ से, चलो। और पहली बार वो लड़कियां आज उन्हीं गलियों में सर उठाकर चलते हुए दिखाई देती हैं, जिन गलियों में अक्सर उन्हें बदनाम किया जाता था। जहां इस तरह वो सभी एक बार फिर से बेंदांग के उस रूम में दाखिल होते हैं, जिसे उन सभी ने एक साथ मिलकर आज सजाया था।
अब इसी दौरान चन्वी उन दोनों को ये बताती है कि वो और बेंदांग वापस अपने गांव जा रहे हैं, जिसे सुनकर उपासना को एक झटका सा लगता है, क्योंकि मीनम की तरह उसकी ये सहेली भी उसे इस शहर में अकेला छोड़कर वापस चली जाएगी। लेकिन आज का ये दिन उसे ये सबक सिखा जाता है कि अगर प्यार के लिए जान भी देनी पड़े तो वो भी कम है। वहीं दूसरी ओर हम जोरेम को देखते हैं, जो अपने पहले प्यार को दुल्हन के जोड़े में देखकर आज भावुक हो जाता है, जहां वो उसे गले लगाकर आने वाली जिंदगी के लिए अपने तहे दिल से शुभकामनाएं देता है। अब इसके फौरन बाद शुरू होती है मीनम की शादी, जिसमें आज के डिजिटल भारत का जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है, जहां मीनम की गैर मौजूदगी में उसके पति चिमार की शादी उसकी छोटी बहन से करवाई जा रही थी, जिसे देख हमारी तरह वहां बैठा हुआ शिव भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, जिसे देख जोरम उसे बताता है कि चिमार की दादी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, जो मरने से पहले अपने पोते की शादी देखना चाहती है, और मीनम जिसका आज इंटरव्यू होने के कारण वहां पर पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए अपने रीति रिवाजों के अनुसार आज उसकी शादी इस ढंग से करवाई जा रही थी, जहां उसके बजाय उसकी छोटी बहन को उसकी जगह बैठाया गया है, जिसे देख शिव का दिमाग अब पूरी तरह से चकरा जाता है और वो खुद को रिलैक्स करने के लिए किचन में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात बेंदांग से होती है, जिसे वो आज सुबह हुई घटना के लिए चिढ़ाना शुरू कर देता है। और फिर अब यह घटना शिव के दिल और दिमाग पर एक गहरा असर करती है, जिसके चलते वो जोरेम से पूछता है कि क्या वो लोग खुद को भारतीय नहीं समझते, जिसे सुन वहां खड़ा जोरेम भी शर्मिंदा होते हुए दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर हम चन्वी को बेंदांग के साथ देखते हैं, जो उसे ये कहकर फटकार लगाती है कि उसकी इसी घटिया सोच के चलते आज दिल्ली जैसे शहर में उसका एक भी दोस्त न बन सका। साथ ही वो उसे समझाती है कि अगर इस शहर में कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, जिनके भरोसे ही वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर रहने आते हैं। अब उसकी ये बातें सुन बेंदांग को भी अपनी भूल का एहसास होता है, और फिर अब इस हिंदी गाने के साथ साथ हम उस छोटे कमरे में पहली बार अपना देश खुशी से झूमता हुआ देखते हैं, जहां इसी मौके का फायदा उठाते हुए जोरेम भी उपासना को शादी के लिए मना लेता है। और इस दोहरी खुशी के मौके पर अब बारी आती है अखुनी की, जिसे आज एक नेपाली लड़की ने बनाकर एक बार फिर से अपने प्यार और दोस्ती की मिसाल कायम की थी। जहां अंत में हम उन तीनों को अपने सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले लगते हुए देखते हैं, और इस तरह इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, फिल्म हमारे दिलों में एक गहरी छाप छोड़ते हुए जातिवाद जैसे एक गंभीर मुद्दे को बड़े ही नाटकीय ढंग से हमारे सामने पेश करती है, जहां हम अपने ही देशवासियों को उनके रंग और रूप के चलते उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। और अगर बात करें कहानी की, तो मैं समझता हूं कि ये पूरी फिल्म ही उन लोगों के लिए एक खास तरह का मैसेज है, जिन्हें आज भी हिंदुस्तानियों और चीनियों में फ़र्क करना नहीं आता। इसलिए मैं आज उन सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इश्क करना है अगर तो जात देख ले, अरे पागल पहले अपनी औकात तो देख ले, तो गौर कर यकीन है तुझे रहम आ जाएगा, मेरे कतरा कतरा बहते पहले ये जज्बात तो देख ले, जो एक जैसे नहीं वो साथ नहीं रहा करते, इस दुनिया में जाकर पहले ये रस्म और रिवाज तो देख ले, गुमान मंजिलों पर नहीं किया करते ऐ मुसाफिर, कोई कब और कहां से थी पहले ये शुरुआत तो देख ले।